किमत मारो बीरना को श्याम और बखत सुद भैया किया
कुमारी ने हाथ पकड़ लिया और कहा है कि स्वामी हमारे भैया को छोड़ दीजिए, ये दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि एक सहज राम भैया हमारी आवाज को सुनते हैं तो आ जाए पंडाल में। इधर रुकमणी कहने लगी श्याम दुनिया के लोग सुनेंगे क्या कहेंगे कि एक बहन ने अपने पति के पीछे अपने भाई को मरवा दिया, इसीलिए सुनो श्याम छोड़ दो। आज भगवान कन्हैया ने उसे मारा नहीं बल्कि ध्यान रखना आज रथ के पीछे बांध लिया और चले हैं। आज जैसे ही पहुंचे हैं बलदाव ने देखा और कहा है जैसी रुकमणी उतरी और कन्हैया से कहा कन्हैया ये कौन है? बोले जे राजे रुकमणी है। अच्छा रुकमणी और जे पीछे कौन बंदो? बोले इनके भैया रुकम है। तो आज महाराज बलदाव के कहने पर रुकमणी के कहने पर इधर ध्यान रखना रुकम को छोड़वाया और रुकम जब वहां से चला है तो ध्यान रखना ये कुंदनपुर में नहीं पहुंचा, ये कुंदनपुर में नहीं गया महाराज। ध्यान रखना इसने नई नगरी बसाई है जिसे आज पहले भोजकट नाम से जाने जानते थे, भोजकट नाम से जो इस टाइम भरतना के नाम से जाना जाता है। तो भरतना भी बिल्कुल मेरे पास ही है और कुदरकोट भी बिल्कुल मेरे पास है। पहले उसे कुंदनपुर कहते थे अब उसे कुदरकोट कहने लगे। तो आज रुकमणी ने नई नगरी बसाई है जिसे आज भरतना के नाम से जाना जाता है। और इधर ध्यान रखना रुकम को भी छुड़वा दिया है और इधर भगवान कन्हैया जो थे जैसे पहुंचे और विवाह विधि विधान से हुआ लेकिन जो माता बहन रहे वो गारी देने लगी, कहने लगी सुनो लहुआ तुम जो हो सुनो आजे मोरा मुकुटा सिरा पाद और श्याम तुम दुई बापना के वगैरह सिंगार लेकर के आई हूँ वो गद्दी पर चढ़ा दी ठीक है, जो लेकर के आई हूँ और जो नाई लेके आई वो रामा रामा हरे हरे और आज तो हलवा पियो परे परे और खा। वो चढ़ा दीजिए और जो नहीं लेकर के आई है वो कन्हैया जी के पैर छू करके गद्दी के पैर छू ले बस वही आप कन्यादान है ठीक है। हाँ श्याम